तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले AEW फुल गियर पे पर व्यू के बारे में। जी हाँ, और ये थी द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द लेट ग्रेट एडी गरेरो। तो आपको बहुत सारे, अगर आपने शो देखा है तो रेफरेंसेस देखने को मिले थे एडी गरेरो के बारे में। क्रिस जेरिको अपने मैच के एंड में इमोशनल हो गए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस शो के बारे में बात करने से पहले, मैं बोलना चाहूंगा रेस्ट इन पीस एडी गरेरो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। एक ऐसा लेजेंड जिसको इतने सालों बाद भी जो है वो याद करा जाता है, उतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, और क्लियरली वो चीज एडी गरेरो डिजर्व भी करते हैं रेसलिंग की दुनिया में। तो आज का जो AEW फुल गियर का पेपर व्यू था, काफी ज्यादा हाइप था। बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे इसका रिव्यू करने के लिए, तो भाई मैंने इसको लाइव देखा। रिव्यू में थोड़ा सा लेट कर रहा हूं क्योंकि और भी भाई काफी सारे आज काम थे, बिजी मुझे यहां पे रखने के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे आराम से बैठ के इस पेपर व्यू की, और कई सारे मैचेस थे, 9 मैचेस, और एट द एंड हमें फाइनली एक नया AEW चैंपियन भी देखने को मिल गया है। केनी ओमेगा अपना टाइटल हार गए हैं, एडम हैंगमैन पेज फाइनली टाइटल को कैप्चर कर चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा था ऐसा होने वाला है, लेकिन AEW ने वो डिसीजन ले लिया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा CM Punk वर्सेस Eddie Kingston, MJF वर्सेस Darby Allin, कई सारे और मैचेस हैं, तो सभी के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे गाइस। जो पहला मैच था इस शो के ऊपर वो था MJF अगेंस्ट Darby Allin, और एक बार फिर से मैं अपना वो वर्ड्स रिपीट करूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई AEW WWE के सुपरस्टार्स की वजह से चल रही है, लेकिन ये दो सुपरस्टार्स WWE से नहीं आए हैं, एक डार्बी एलिन है, दूसरा MJF। एंड आई थिंक कि आज इन दोनों ने प्रूव कर दिया कि अगर कोई आगे जाके टॉप 5 सुपरस्टार बनने वाला है जो कि AEW ने क्रिएट करा है, उसके अंदर ये दो डेफिनेटली रहने वाले हैं। क्या कमाल का मैच इन दोनों की तरफ से हमें देखने को मिला। बहुत ब्रूटल मोमेंट्स थे, हार्ड हिटिंग मोमेंट्स थे। डार्बी एलिन की मिस्ड कॉफिन ड्रॉप जो कि एप्रन पे हुई, उसके बाद MJF टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाते हैं डार्बी को, वो भी एप्रन के ऊपर था। और इसके अलावा हमें बहुत सारे और हार्ड हिटिंग मोमेंट्स, जैसे कि रिंग के बाहर सीधा फ्लोर के ऊपर कॉफिन ड्रॉप भी डार्बी ने लगाई। लेकिन मैच में पूरे समय यही देखने को मिल रहा था कि MJF की नी पे चोट है तो डार्बी एलिन की पीठ पे चोट है। दोनों को इंजरीज से डील करना पड़ रहा था इस मैच को लड़ते हुए। लेकिन एट द एंड गाइज इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि डार्बी एलिन को फोर्स करते हैं MJF की, भाई तुम यूज करो अपना स्केटबोर्ड। तो स्केटबोर्ड यूज करके भाई बेसिकली मुझे मारो, लेकिन डार्बी वो चीज करते नहीं है, और यहाँ पे MJF रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी डायमंड रिंग को यूज करके इस मैच को यहाँ पे वो जीत चुके हैं। तो स्टिंग ने यहाँ पे मदद भी करी डार्बी की, डेफिनेटली शॉन स्पियर्स को मारा उन्होंने आके रिंग साइड पे, लेकिन वो चीज काम नहीं आ पाई। एंड MJF हैज डिफीटेड डार्बी एलिन एट AEW फुल गियर। एक ओपनर के हिसाब से एक अच्छा मैच था, दो नए स्टार्स, मतलब एक अप एंड कमिंग स्टार हम कह सकते हैं AEW के स्टार्स, उन्होंने शो को स्टार्ट करा और बहुत अच्छा मैच था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो लूचा ब्रदर्स का मैच होता है FTR के साथ फॉर द AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स। अब यहां पे मुझे लगता है कि यार टैग टीम मैचेस, यानी कि टीम के जो मैचेस थे वो बहुत सारे थे शो के ऊपर, तो एक पॉइंट के बाद हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यार हर मैच के अंदर टीम ही क्यों है, लेकिन ये उन सब में से पहला मैच था और मैंने इस मैच को काफी हद तक एंजॉय करा। मुझे लग रहा था कि यहां पे टाइटल्स रिटेन होंगे, बिल्कुल वही देखने को मिला, लूचा ब्रोस इस मैच को जीत गए। लेकिन पूरे मैच की स्टोरी यही थी कि FTR लूचा को डिसरिस्पेक्ट करना चाहती है, उनके अगेंस्ट वो मास्क वगैरह पहन के आ रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें पेंटा का मास्क जो है वो कैश व्हीलर ने बांध दिया था रोप के साथ, ये पॉइंट हमें मैच में देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा एक बार फिर से एक हाई पेस्ड मैच था, बहुत अच्छी रेसलिंग इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को मिली। लेकिन एट द एंड गाइस लूचा ब्रोस जीत चुके हैं इस मैच को, एंड दे हैव रिटेन द AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स। अब आई थिंक आने वाले टाइम में हम जानते हैं AEW में इतनी सारी टैग टीम्स हैं, तो किसी नई टीम को भी यहां पे मौका मिलेगा, उसका काफी हाई चांस है। अगले मैच की हम बात करें तो ये था डैनियल ब्रायन अगेंस्ट मीरो, और बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या ब्रायन डैनियलसन हरा सकते हैं मीरो को, या फिर मीरो जो है वो जीत सकते हैं, क्या उस चीज़ का कोई चांस है। और मैंने बोला था कि भाई ब्रायन ही मेरे हिसाब से इस मैच को जीतेंगे, क्योंकि इसके अलावा AEW फिर से कर सकती है केनी ओमेगा वर्सेस ब्रायन का मैच। अब वो तो होगा नहीं क्योंकि केनी ओमेगा अब चैंपियन नहीं है, लेकिन भाई ये जो मैच था मेरे हिसाब से दो अलग अलग स्टाइल्स का क्लैश था। मीरो की स्ट्रेंथ एक तरफ, डैनियल ब्रायन की क्विकनेस, सबमिशंस, और जो वो बाकी अपना मतलब रेसलिंग स्टाइल यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, वो दूसरी तरफ थी। तो यहाँ पे मीरो को स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मोमेंटम मिला, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन उनको दिक्कत भी हो रही थी क्योंकि हर चीज का जो काउंटर है वो डैनियल ब्रायन के पास था। एंड एट द एंड हमें यहाँ पे देखने को ये मिलता है, आई थिंक मुझे लगा कि मीरो को कहीं ना कहीं इस मैच में चोट लग गई और एंडिंग उतने अच्छे से हुई नहीं जैसे कि होनी चाहिए थी, लेकिन डैनियल ब्रायन ने अपने एक सबमिशन से पास आउट करा दिया मीरो को, और वो जो है बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो
क्लियर है ये बात कि हैंगमैन पेज का मैच होगा डैनियल ब्रायन के साथ फॉर द AEW वर्ल्ड टाइटल। अब कब उसको AEW ऑफिशियल करेगी वो देखना इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जो इन दोनों के बीच में मैच था एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने परफॉर्म करा और डैनियल ब्रायन गाइज यहाँ पे जीत गए। अगले मैच की हम बात करते हैं तो ये था एक सिक्स मैन टैग टीम मैच, जुरैसिक एक्सप्रेस एंड क्रिश्चियन केज अगेंस्ट द यंग बक्स एंड एडम कोल। अब आई नो कि इस मैच में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस होने वाले हैं और मैं इस पर अपना आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ। स्टार्ट के लेके मतलब 15 मिनट तक ये मैच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 5-10 मिनट जो भी था, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया इस मैच में कि सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा गिमिकी लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई इनको पहले ही पता है एग्जैक्टली सब कुछ क्या करना है और उसके हिसाब से मूवी की तरह इस मैच को चलाए जा रहे हैं। तो ओवर स्क्रिप्टेड मतलब ये मैच मुझे थोड़ा सा लगा, ओवर कोरियोग्राफ्ड लगा और एक पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई अब खत्म हो जाना चाहिए। मतलब जैसे हम गेम खेलते हैं WWE की, उसमें टैग टीम मैचेस कभी खत्म ही नहीं होते, बिल्कुल वो वाली फीलिंग इस मैच के एंड तक मुझे आ रही थी। तो उतना ज़्यादा अच्छा ये कोई क्लासिक मैच मेरे हिसाब से नहीं था, लेकिन कुछ बहुत कूल मोमेंट्स डेफिनेटली इसके अंदर थे। एक बहुत ब्रूटल मोमेंट था जब जंगल बॉय के मुंह के अंदर जो है वो थंब टैक्स डाल देते हैं यंग बक्स और एडम कोल। आई डोंट नो वो कैसे उन्होंने करा, लेकिन वो एक बहुत ही ब्रूटल मोमेंट थी। एट द एंड हमें देखने को मिली बहुत सारी सुपर किक्स, बहुत सारे अलग अलग ब्रेन बस्टर्स, हाई फ्लाइंग मूव्स, रैंप के ऊपर ये मैच खत्म हुआ क्योंकि एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था। तो यहां पे विक्ट्री मिल गई बेबी फेस टीम को एंड एट द एंड एक ऐसा मूव देखने को मिला जो रिसेंटली हमने बहुत ज्यादा WWE के अंदर देखा है और वो है कॉन्चेर्टो। वो चीज यूज करते हैं जंगल बॉय और अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैंने अपना ओपिनियन आपको क्लियरली दे दिया यहां पे। और एक कूल मोमेंट और मैं जो मेंशन करना चाहता हूं कि थंब टैक्स वाले नी पैड लेके आते हैं एडम कोल और यंग बक्स के साथ मिलके जो है BTE ट्रिगर लगा देते हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज थी गाइस जो कि यहां पे हमें देखने को मिली। अगले मैच की हम बात करते हैं तो ये फिर से एक टैग टीम मैच था, कोडी रोड्स एंड पार्क अगेंस्ट मैलाकाई ब्लैक एंड आंड्राडे। तो ये एक वो पॉइंट आ गया था कि हाँ भाई लग रहा था कि बहुत सारे टैग टीम मैचेस हो रहे हैं, क्या हर मैच में टीम्स इन्वॉल्व हैं? तो ये चीज़ थोड़ी सी AEW को देखनी ज़रूरी थी कि भाई इतने सारे टैग टीम मैचेस एक ही शो पे हमें स्टैक नहीं करने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैच अच्छा नहीं था, एक डिसेंट मैच था इन दोनों टीम्स के बीच में। आई थिंक अभी थोड़ा लोगों को आदत हो रही है मैलाकाई ब्लैक और आंड्राडे को एज ए टीम देखने की। कोडी रोड्स को रिसेंटली लोग उतना पसंद नहीं कर रहे जिस तरीके से उनकी बुकिंग रही है, तो एक ठीक ठाक मैच था यहाँ पे और बेबी फेस टीम की हमें विक्ट्री देखने को मिलती है। आर्न एंडरसन की भी इन्वॉल्वमेंट थी रिंग साइड पे, लेकिन गाइस यहाँ पे कोडी रोड्स और पार्क को विक्ट्री मिल गई और बीच में कुछ ऐसी मोमेंट्स थी जहाँ पे आंड्राडे और मैलाकाई की आपस में कुछ खास बन नहीं रही थी, तो वो भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है। अगली चीज की हम बात करें जो कि था फॉर द AEW वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, ब्रिट बेकर अगेंस्ट टाय कॉन्टी। और यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दूं कि भाई टाय कॉन्टी का इससे अच्छा रेसलिंग मैच मैंने पर्सनली कोई देखा नहीं है और ऊपर से ये बात भी हम जानते थे कि ब्रिट बेकर जो है यहाँ पे टाइटल अपना हारने वाली है नहीं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई। एक ठीक ठाक मैच था, अच्छा मैच था डेफिनेटली, काफ़ी सारी क्लोज कॉल्स थी यहाँ पे, ब्रिट बेकर ने सारी चीज़ें करने की कोशिश करी एंड एट द एंड शी वॉन द मैच। उन्होंने यहाँ पे हरा दिया एक रोल अप काइंड ऑफ स्मॉल पैकेज लगा के ही, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ब्रिट बेकर ने यहाँ पे अपना टाइटल रिटेन कर लिया। काफ़ी क्लोज मोमेंट्स थी जो कि टाय कॉन्टी के हिसाब से एक अच्छा चांस था, कोई यहाँ पे सेंस भी नहीं बनती थी उनको टाइटल देने की, तो ओवरऑल पे AEW का डिसीजन सही था। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग इसका वेट कर रहे थे, CM Punk अगेंस्ट Eddie Kingston। और ये वो पॉइंट था शो में एक बार फिर से जब कुछ वीक मैचेस के बाद, कुछ थोड़े बोरिंग से मैचेस के बाद क्राउड एक बार फिर से इन द गेम आ गया था। तो यहाँ पे CM Punk ने हरा दिया गाइस Eddie Kingston को और ये एक रेसलिंग मैच नहीं बल्कि पूरी एक ब्रॉल लग रही थी। पूरे समय एक दूसरे को मार रहे थे, CM Punk एक GTS लगाते हैं, उस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था शायद Eddie Kingston नॉकआउट हो गया रियली, लेकिन आई थिंक वो उस तरीके से ही स्क्रिप्ट करा गया था मैच। तो पंक के सर से खून निकल रहा था, एकदम मार धाड़ चल रही थी भाई दोनों के बीच में, तो वो रियलिज्म जो फ्यूड में इनके अभी तक दिखाया गया है वो आज हमें इस मैच में भी देखने को मिला। एट द एंड CM Punk एक और GTS लगाते हैं, काफी वन साइडेड कर दिया था उन्होंने मैच एक पॉइंट पे और Eddie Kingston को उन्होंने हरा दिया। मैच के बाद वो हैंडशेक ऑफर करते हैं बट Eddie Kingston रिजेक्ट्स इट और वो वहां से चले जाते हैं। तो इन दोनों की फ्यूड आई डोंट थिंक खत्म हुई है और कहीं ना कहीं हो सकता है लीड कर सकती है डैनियल ब्रायन एंड CM Punk की टीम अगेंस्ट जॉन मॉक्सली एंड Eddie Kingston, उसकी पॉसिबिलिटी गाइस हो सकती है, तो वी हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जो सेकेंड लास्ट मैच था इस शो का वो था एक बार फिर से एक टैग टीम मैच
और ये एक स्ट्रीट फाइट थी इनर सर्कल अगेंस्ट अमेरिकन टॉप टीम। और यहाँ पे भी हमको मतलब पता ही था कि ऑब्वियसली भाई यहाँ पे इनर सर्कल की विक्ट्री का चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि अमेरिकन टॉप टीम को जितवा के क्या मिलता, AEW को कोई फायदा नहीं होता। तो वो चीज गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिली। एक मतलब केओटिक मैच था जो कि एक स्ट्रीट फाइट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग वेपन्स का यूज था। अमेरिकन टॉप टीम वाली स्टोरी लाइन जबकि मुझे अच्छी लगी, उतना रिलेट मैं इनके मेंबर्स के साथ नहीं कर पा रहा था आज के शो के टाइम पे। लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि डैन लैम्बर्ट रिंग में होते हैं, क्रिस जेरिको रिंग में होते हैं और जेरिको ट्रिब्यूट देते हैं एडी गरेरो को 5-star फ्रॉग स्प्लैश लगा के, एंड ही हैज डिफीटेड द अमेरिकन टॉप टीम। इनर सर्कल ने यहाँ पे इस मैच को जीत लिया है। मैच के बाद टोनी शेवानी आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं AEW की नई साइनिंग जो कि है गाइज जे लीथल। तो जे लीथल को साइन कर लिया गया, एक बढ़िया साइनिंग आई थिंक। और जब मैं रिमेंबर करता हूं तो मैंने को याद है कि भाई TNA के अंदर जे लीथल हमें देखने को मिलते थे, तो वो एक काफी बढ़िया बात है कि उनको साइन कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने चैलेंज कर दिया सैमी गेवारा को फॉर द TNT चैंपियनशिप। एक ओपन चैलेंज था, वो उन्होंने एक्सेप्ट करा और ये मैच आई थिंक हमें डायनामाइट पे देखने को मिलेगा। सैमी ने उस चीज के लिए हाँ बोल दिया, तो इंटरेस्टिंग फॉर AEW। इस पे आप थॉट्स गाइस अपने बता सकते हैं। लेकिन फाइनली इस शो का जो मेन इवेंट था फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, केनी ओमेगा अगेंस्ट हैंगमैन एडम पेज। और मुझे लग रहा है कि हैंगमैन एडम पेज इतने समय से डिजर्व करते हैं टाइटल जीतना, लेकिन स्टोरी लाइन जिस तरीके से चल रही थी मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे केनी ओमेगा टाइटल को हारेंगे। रेसलिंग की हम बात कर लें तो ये एक हाई क्वालिटी मैच था, फास्ट पेस था और बहुत मतलब इसके अंदर कोई बॉचेज नहीं थे। आई थिंक कि एग्जीक्यूशन इस मैच की परफेक्ट थी। डॉन कैलिस की इंटरफेरेंस जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक और ऐसी इंटरफेरेंस जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन आज देखने को मिली नहीं, और वो थे द यंग बक्स। ऐसा लग रहा है उनका भरोसा उठ गया भाई अब केनी ओमेगा के ऊपर से, क्योंकि वो अपना मैच भी नहीं जीत पाए और यहाँ पे वो हेल्प नहीं करते केनी ओमेगा की। एंड एट द एंड गाइस यहाँ पे हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के फिनिशर उन पे लगाते हैं, यानी कि द वन विंग्ड एंजल। केनी किक्स आउट, लेकिन उसके बाद हैंगमैन पेज यहाँ पे दो बार बकशॉट लैरियट लगाते हैं एंड ही डिफीट्स केनी ओमेगा टू बिकम द न्यू AEW वर्ल्ड चैंपियन। डार्क ऑर्डर बाहर आता है और यंग बक्स बस खड़े होकर देखते रहते हैं। उन्होंने कोई मदद यहाँ पे जो है वो केनी ओमेगा की नहीं करी, तो हो सकता है कि यहाँ पे केनी ओमेगा अभी भी हील रहे, लेकिन यंग बक्स फेस टर्न कर सकते हैं, अगेंस्ट जा सकते हैं केनी ओमेगा के, उनके वहां से फ्यूड जो है वो स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पे हैंगमैन पेज वर्सेस डैनियल ब्रायन की फ्यूड स्टार्ट होगी गाइस। कुछ लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रे वायत यहाँ पे आ जाएं, लेकिन वैसा आज हमें कुछ देखने को मिला नहीं। आई थिंक एक अच्छी मोमेंट थी हैंगमैन पेज जो काफी समय से डिजर्व करते थे, और उसी पे शो को एंड करा जाए ये AEW की तरफ से बेस्ट चीज थी। तो गाइज ये था मेरा फुल गियर का रिव्यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शो पे अपने ओपिनियंस डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।